गौतम बुद्ध नगर जनपद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शनिवार सुबह चेकिंग कर रही थाना रेउपुरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायलावस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार बदमाश अपने साथियों के साथ लिफ्ट देकर लोगों से लूटपाट करने जैसी वारदातों को अंजाम देता था। दर्द से कराह रहे इस बदमाश को गौर से देखिए, ये राहुल उर्फ अजय है। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है और वर्तमान में त्रिलोकपुरी दिल्ली में रहता है। उसके पैर में गोली लगी है, इसलिए दर्द से वो कराह रहा है। पुलिस अपने कंधों का सहारा देकर उसे ले जाने का प्रयास करती दिखाई दे रही है। पुलिस के अनुसार शनिवार सुबह अमना एक्सप्रेसवे से सटी सर्विस रोड मिर्जापुर कट पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी स्कूटी से एक युवक आता दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगा। पुलिस का कहना है कि पीछा करते समय उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। घायलावस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उसने अपना नाम राहुल उर्फ अजय बताया है। उसके पास से चोरी की हुई स्कूटी, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि 30 मार्च 2022 को यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से दिल्ली की ओर जाने वाली सवारी का इंतजार कर रहे एक व्यक्ति को राहुल ने अपने तीन साथियों प्रदीप, रोहित व शाहरुख के साथ मिलकर एसेंट कार में बैठाया था। इसके बाद सभी ने मिलकर उस व्यक्ति के साथ मारपीट की और 30,000 रुपये छीन लिए थे। पुलिस पूछताछ में राहुल ने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों के कई शहरों में इस तरह की करीब 600 वारदातों को अंजाम दिया है। इस बाबत ADCP ग्रेटर नोएडा विशाल पांडे ने पूरी जानकारी दी है, सुनिए। देखिए, आज रपुरा पुलिस मिर्जापुर कट के पास चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान एक ग्रे कलर की स्कूटी आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस पार्टी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने बैरियर पे धक्का मारते हुए बदमाश आगे की ओर बढ़ा और पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। आगे जब पुलिस पार्टी ने घेराबंदी की तो इसने पुनः पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। इसी फायरिंग के दौरान बचाव में काउंटर एक्शन में इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसका नाम राहुल है, जो मछली शहर जौनपुर का रहने वाला है। ये गैंग बना करके काम करता है। इसके गैंग में 4 सदस्य हैं। ये लोग 2-3 सदस्य नीचे खड़े होते हैं और एक ड्राइवर रहता है। कोई भी सवारी के साथ ये घुल मिल जाते हैं और उनको गाड़ियों पर बैठा लेते हैं और आगे ले जा करके लिफाफे में उनके चेकिंग के नाम पे उनका पैसा रख लेते हैं तथा उसके पश्चात धक्का दे करके इसको यात्री को फेंक देते हैं। पूर्व में भी ये घटना एक फौजी के साथ रपुरा थाना क्षेत्र में हुई थी, उसी घटना को इसने स्वीकार किया है। इसके 3 साथी हैं, उसके लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं। कई जिलों में इसने घटनाएं कबूल की हैं। अन्य प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया है, गहनता से पूछताछ की जाएगी और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।